वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको हाउ टू फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ सेवन, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा था। जैसे एक हमारे पास 2m होता है, एक एम स्क्वायर माइनस वन और एक बच्चों एम स्क्वायर प्लस के वन होता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सेवन का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दीज आर अवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सेवन का फाइंड आउट करना है तो सेवन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2m है तो 2m इज इक्वल टू सेवन कर देंगे। ये बात सबको समझ में आती है। तो यहाँ से m का वैल्यू जो आएगा वो 7/2 चला जाएगा, तो बच्चों आपके पास 3.5 आ जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है इसमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, सेवन का ओड नंबर है ऑलरेडी, ये तो हमारे पास ओड नंबर है। तो हमने इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक एम स्क्वायर प्लस के वन है, ऐसे ही एक हमारे पास कितना है एम स्क्वायर माइनस के वन। तो एम स्क्वायर प्लस के वन में हम क्या करेंगे, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें प्लस के वन कर देंगे। तो 3.5 का स्क्वायर जो हमारे पास होता है दैट इज़ 12.25 और प्लस के वन, यानी 3.5 × 3.5 करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 13.25 आ जाएगा, जब आप इसमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई होगी होपफुली। अब इसके बाद एक हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये बचा हुआ है एम स्क्वायर माइनस के वन। तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से हम वन माइनस कर देंगे। तो 3.5 का स्क्वायर हमारे पास 12.25 होता है, इसमें से माइनस कर देंगे वन, ठीक है। इसका एक मैं पर्टिकुलर रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसे हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक मिनट इसको समझ लेते पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों यहाँ पे 11.25 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास कितना आ गया था 3.5, और 3.5 को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 2m करेंगे ना तो 2m इज इक्वल टू m का वैल्यू, तो देखो हमारे पास ये आ गया था एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास 2m भी तो है। तो 2m में हम क्या करने वाले हैं, यानी यहाँ पे हम m का वैल्यू, जैसे 2m है ना तो 2 × 3.5 करोगे तो एक हमारे पास बेसिकली 7 ही रहेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसके निकल गए हैं तीन, यहाँ पे वो कितने निकल गए हैं 7, 13.25 और 11.25। इसको आप थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में भी करके लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बताऊंगा क्यों इसका रीज़न है लिखने का। जैसे आप बच्चों पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम से ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बने हैं बेसिकली। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज करो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये ए क्या है हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, बी क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गई हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेवन है सेवन को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये 13.25 है ना, 13.25 को यहाँ पे बेस मान लेते हैं, और ये कितना आएगा हमारे पास 11.25। 13.25 मतलब जो 13 जो जो बड़े वाली साइड होती है ना उसको हम हाइपोटेनियस मानेंगे, ये जो असेंडिंग ऑर्डर वाला है ना इसके अकॉर्डिंग लेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 11.25, और जो बड़े वाली साइड होगी वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हाइपोटेनियस होती है ना दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कैसे हुआ है कि ये सही है या गलत है आपको कैसे पता लगेगा। तो आप ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, 7 का स्क्वायर है बच्चों, और बी का स्क्वायर कितना है 11.25 का होल स्क्वायर कर देंगे, और सी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 13.25 का स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं इसको वेरीफाई करके इक्वल आता है नहीं आता है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाता है, 11.25 जब आप करोगे तो 126.5625 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास लगभग 175.5625 हो जाएगा, अगर आपसे वेरीफाई पूछा गया है। वैसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ ये समझने के लिए, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना तो आपके पास यही वाली वैल्यू आएगी 175.5625 इज इक्वल टू 175.5625। तो ये वेरिफिकेशन मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, कभी आप सोचोगे ये कैसे आया पॉइंट में तो आते नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसे बताया गया है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बड़े ध्यान से। तो होपफुली आपके आपके लिए वीडियो पूरी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।